हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एक खास नई रेसिपी। वो क्या है? मट्ठी, खस्ता मट्ठी, जो चाय के साथ खा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। और देखिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेबी किचन, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और सामग्री जानते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए। 250 ग्राम मैदा, 150 ग्राम सूजी, नमक, अजवाइन। तो अब हम क्या करते हैं, इससे पहले ये सूजी मैदे के अंदर मिला लेते हैं। ऐसे, और इसमें एक छोटा चम्मच अजवाइन डालते हैं और एक छोटा चम्मच नमक स्वाद अनुसार और एक छोटा चम्मच डालते हैं बेकिंग पाउडर। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से हाथ के साथ। ऐसे इसको मिक्स करके फिर इसमें हम थोड़ा मून डालते हैं, तेल डाल ले या फिर रिफाइंड डाल ले, घी, ऑयल डालना, कुछ भी डाल लीजिए। और इसको आप गून लेते हैं, और कम से कम भी जो हम इसमें मून डाल रहे हैं, एक बड़ा चम्मच, जिसे खस्ता हो सकते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं ऐसे। इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करते हैं पहले, क्योंकि ये जिसमें ऑयल डाला है हमने, ये पूरे मैदे में मिक्स हो जाए। और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अगर ये पतला हो गया तो फिर अच्छा नहीं, इसको थोड़ा टाइट रखना है और अच्छे से मिक्स करना ऐसे। और ये देखिए, हमारा आटा गूंथकर बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें तेल डालते हैं रिफाइंड। ये देखिए, और जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम इसमें से ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं, तोड़ तोड़ के ऐसे, जिससे ये हमारी गोलियां आसानी से बन जाए। ऐसे और देखिए अब क्या करते हैं, अब हम इनको बेलते हैं। पहले चकले पर थोड़ा तेल लगा लेते हैं और अब बेलते हैं इसको। और देखिए, एक साथ हम चाहे तो एक एक भी बेल सकते हैं या फिर एक साथ कई बेल लेते हैं, जिससे हमारा समय भी बचेगा ऐसे। ये देखिए, ये हमारी मट्ठी बेल चुकी है, खस्ता मट्ठी। देखिए, हमारी मट्ठी बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम कढ़ाई में डालते हैं एक एक करके, गरम तेल के अंदर। जाली से घुमाते हैं
और उनको सीखने देते हैं। तो देखिए हमारी खस्ता मट्ठी बिल्कुल तैयार है, करारी एकदम खस्ता। अब इनको हम निकाल रहे हैं। हमारी मट्ठी बिल्कुल तैयार है, खस्ता मट्ठी। ये देखिए कितनी अच्छी, हम इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं और कहीं सफ़र में जाते हैं तो लेके जा सकते हैं, ना ही तो ये ख़राब होंगी और ना ही इनमें से कोई स्मेल आए, क्योंकि ये खस्ता है, सूखी है। देखिए कैसे बिल्कुल खराब खस्ता। और देखिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और हमारे बेबी किचन में जानकारी पाते रहिए अच्छी अच्छी। देखिए हम क्या क्या लेकर आते हैं और हमारा चैनल देखते रहिए। जय माता दी।